जो कि सबसे अधिक आंदोलन की भूमि रहा है, उस आंदोलन की भूमि बिहार में भी ये स्थिति बनी हुई है कि आप वहाँ की किसी स्त्रियों की चर्चा नहीं करेंगे, नहीं देखेंगे। और जब किसी स्त्री की चर्चा नहीं करते हैं, नहीं देखते हैं, तो दूसरे काहे को जानने जाए। बिल्कुल बिल्कुल। अब मेरे मन में ये बात आई कि सबसे पहले कौन स्त्री थी जिन्होंने पर्दा तोड़वाया, जिन्होंने महात्मा गांधी के आश्रम में स्त्रियों को जाने को प्रेरित किया, तो वो प्रभावती जी थी। बिल्कुल। और प्रभावती जी ऐसी समर्पित स्त्री थी जो जिन्होंने अपना जीवन त्याग दिया, उन्होंने ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया। महात्मा गांधी ने कहा कि भाई ये क्या करे, तुम विवाहित हो, तुम्हें नहीं लेना चाहिए, लेकिन वो उन्होंने लिया तो ले लिया और अपने जीवन को उन्होंने समर्पित कर दिया। ऐसे व्यक्ति की जीवनी लिखनी ही चाहिए ताकि कुछ प्रेरणा। बिल्कुल। तो एक तरफ मैं देख रहा हूँ कि आप मिथिलांचल की सामान्य वंचित तिरस्कृत महिलाओं की कथाएं भी लिख रही है, वाचस्पति मिश्र जैसे अगाध विद्वान की पत्नी भामती की साधना और उसके समर्पण पर भी आप लिख रही हैं। मैंने यह भी देखा कि शेरशाह सूरी जो एक सामान्य व्यक्ति से शहंशाह तक हुआ उसकी कथाएं भी आप कह रही हैं, और वहां से लेकर प्रभावती जी की जीवनी भी आपने लिखी। इन सबके मूल में मैं यह देख रहा हूँ कि बिल्कुल सामान्य में विशिष्टता की खोज, ये आपके लेखन की एक विशेषता रहती है। ये मैं देख रहा हूँ, मेरे सामने बाल महाभारत है, ये बाल महाभारत लिखने की फिर आपको कैसे प्रेरणा मिली? बच्चों के लिए देखिए, हम भी जब छोटे थे तो राजगोपालाचारी का महाभारत पढ़ते थे, लेकिन उससे भी छोटे बच्चे के लिए उस समय भी नहीं था। अब जो है सो छोटे बच्चों के लिए अगर कुछ चाहिए तो हमें बाल महाभारत लिख के देना चाहिए, क्योंकि खाली सीरियल में गलत सड़क बात भी लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसे ग्लैमराइज करके देता है। बिल्कुल। जबकि ग्लैमराइज करके नहीं करके मैंने उसको बिल्कुल सामान्य तरीके से लिखा है कि भाई कौरव और पांडव का झगड़ा कैसे हुआ, यही बाल महाभारत मैंने बच्चों को लिख दिया। और मत करो तुम। जी जी। एक किताब मैं देख रहा हूँ, कहाँ गए मोरे उगना, जो नाटक की किताब है ये, और विद्यापति के सेवक थे उगना, इस पर भी आपने एक लिखा है, तो इस उगना पर भी आपकी दृष्टि गई, कैसे जा पाई आपकी दृष्टि उगना को, कैसे आपने खोजा? संजोग बस मिथिलांचल में हमेशा जो विद्यापति के गीत होते हैं और विद्यापति से संबंधित, मिथिला कण कण विद्यापति से भरा हुआ, तो इसीलिए उगना की चर्चा हो गई। तो हमने उसमें दिखाया है, और विद्यापति की जीवनी भी मैंने लिखी है सृजनहार नाम से। बिल्कुल बिल्कुल। भी आपको याद है? मैं चर्चा करना मैं भूल गया था। सृजनहार आपका एक बहुत ही चर्चित उपन्यास है जिस पर आपने विद्यापति जी के बारे में लिखा। तो वही उगना को मैंने इसमें दिखाया है कि उगना कौन है। कोई भी बच्चा बेचारा अकेला अनाथ बच्चा है जिसको विद्यापति ने अपने साथ रख लिया और अपने साथ अपने बच्चे की तरह रखे, और वो उनको सेवक की तरह उनकी सेवा करता है। तो वो जो बिन बीते ईश्वर भेल उगना विद्यापति करते हैं, माने जिसको बीत मन सब कुछ नहीं है, वही ईश्वर है, विद्यापति की भावना, इसी भावना को लेके नाटक। एक बात मैं देख रहा हूँ कि पद्मश्री उषा किरण खान के रचना संसार से गुजरने का मतलब, अभी तक जितनी बातचीत हुई है मैं यह देख रहा हूँ कि वो बिहार का जो मिथिलांचल समाज है, जो वहाँ का हमारा सांस्कृतिक वैभव है, जो साहित्यिक विरासत है हमारी, उन सबसे परिचिति है, चाहे वो विद्यापति हो, उनके सेवक हो, चाहे भामती की कथा हो, चाहे अपनी विभिन्न कहानियों के माध्यम से, चाहे वो दूर भान हो या अब तक जितनी आप लिख रही हैं, तो मिथिलांचल समाज के बारे में आप लिख रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अपना आपकी रचनाशीलता से गुजरते हुए तो हम मिथिलांचल समाज को क्या हम पूरी की पूरी तरह समझ सकते हैं, या कुछ छूट मिला है जिसको आप, जिस पर अभी आप लिखना चाह रही हैं? जो जैसे रेणु जी ने भी मिथिला समाज की चर्चा की है, नागार्जुन ने भी की है, लेकिन उससे भी ज्यादा बिहार मिथिला का समाज हमारा है जो मैंने लिखा है और जिसका परिचय मैंने आप सबको से कराया है। ये भी बात है कि उनसे अगली पीढ़ी में हूँ, लेकिन मैं कोसी के दोनों तटबंध के बीच, जिसको नो मैंस लैंड कहा जाता है,
लेकिन उसके बारे में कोई चिंता नहीं करता है, बस सिर्फ वोट की चिंता रहती है। तो उस जो मिथिलांचल समाज है उसकी कथा किसी ने नहीं लिखी जो मैं लिखती हूँ, वो चाहे हिंदी में लिखो या मैथिली में, मैं मिथिला की ही कथा। आप तो नागार्जुन बाबा से आप जुड़ी भी रहे, नागार्जुन जी आपके घर ठहरते भी रहे, तो क्या ये हम समझे उनकी विरासत, जहाँ तक उन्होंने लिखा उसके आगे का जो मिथिला समाज है, जो वहाँ की संस्कृति है, उन सबको आप अपने लेखन का केंद्र बना रही हैं? हाँ, और उनसे थोड़ा सा मेरा भीतर है मैंने।